हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा से फिजिशियन। आज हम बात करेंगे सीजनल फ्लू के बारे में। सीजनल फ्लू जनरली क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं तो हवा का बहाव कम हो गया है, जिसकी वजह से कीटाणु आपके शरीर के अंदर ज़्यादा देर तक रुकते हैं और पॉल्यूशन की मात्रा वातावरण में बढ़ती है, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ होती हैं। ऐसे कंडीशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली हमें बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचना है। मॉर्निंग वॉक हमें अवॉइड करना है, थोड़ा सा धूप होने पर ही वॉक शुरू करें। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, बीपी के मरीज, अपना स्पेशल ख्याल रखें, क्योंकि इसमें इन बीमारियों में बढ़ोतरी की पाई जाती है इस सीज़न में, क्योंकि सर्दियों में आपके खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती हैं। स्पेशली इस सीज़न में अस्थमा के पेशेंट के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। छाती में टाइटनेस, जकड़न लगती है, सांस फूलना, खांसी बढ़ना, ये अस्थमा के पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ने की वजह से ये पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना है कि बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, एलर्जेंस से बचें, जिन चीज़ों से एलर्जी है उन चीज़ों का अवॉइड करें, पॉल्यूशन से स्पेशली बचें, घरों में ही ज़्यादातर रहें, और बाकी शुगर बीपी के पेशेंट को टाइट शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है इस सीज़न में, क्योंकि ये बीमारियां बढ़ती हैं इस सीज़न में। दिल की बीमारियों की बढ़ोतरी की मात्रा पाई गई है। हो सके तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं। हर साल एक नई वैक्सीन लॉन्च होती है इन्फ्लुएंजा की, वो वैक्सीन हर साल आपको लगवा लेनी चाहिए। बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, खुद से एंटीबायोटिक्स वगैरह न कंज्यूम करें, डॉक्टर से मिलें, उचित इलाज करें। बुखार आने पर पैरासीटामोल लें। अगर 2-3 दिन तक बुखार नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर से मिलें, ज़रूरी जांचें कराएं, क्योंकि अपने एंटीबायोटिक्स और ज़्यादा लक्षणों को, वायरल के सिम्टम्स को और बढ़ा सकती हैं कम करने के बजाय। तो अपना बहुत ध्यान रखें, बाहर का खाना कम से कम खाएं और इनडोर ज़्यादा से ज़्यादा रहें। सही टाइम समय पर डॉक्टर की सलाह लें।